कोरोना महामारी में सभी स्कूल बिहार के बंद थे, लेकिन बच्चों का जो फीस है वो मनमानी तरीके से लिया जा रहा है। इसी को लेकर के आज जो है पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे आप देख सकते हैं कि जागरूकता तत्काल में एवं छात्र अभियान अभिभावक संघर्ष समिति द्वारा शिक्षा के व्यवसाय के खिलाफ आक्रोश मोर्चा निकाला गया है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ इनका मांग है, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों का, क्यों ये रैली निकाली? देखिए हमारी लड़ाई आपकी नहीं है, 2013 से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। हमारी मांग है कि कम से कम 60% फीस लॉकडाउन के दौरान की माफ की जाए और सरकारें प्राइवेट स्कूलों के लिए रेगुलेटिंग बॉडी बनाए। हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बंद हो। अगर सरकार नहीं बंद करती है तो फिर हम लोगों का प्रदर्शन और होगा और उग्रतर होता जाएगा। अगर सरकार नहीं चेतती है, अगर स्कूल प्रशासन नहीं चेतता है, तो हम लोग इसी तरह अपना प्रदर्शन उग्र से उग्रतर करते जाएंगे और तब सरकार के लिए मुश्किल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, हम बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? मैडम, क्या मांग है आप लोगों का? स्कूल प्रशासन फीस माफ नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? अरे स्कूल की क्या बस फेयर मांगता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस मांगता है, क्या चीज का बिल्डिंग मेंटेनेंस देगा इस कोरोना काल में? सबके लिए है कि केवल स्कूल वाले लोग के लिए? जी कहाँ के मैम गगन जी, अनलीगल जो डिमांड कर रहा है उसको माफ करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। गगन जी आइए ना भाई। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है फीस बढ़ोतरी को लेकर के, जो फीस नहीं माफ़ किया गया है, कोरोना काल में पढ़ाई बंद थी फिर भी फीस लिया जा रहा है, उसके खिलाफ आक्रोश मोर्चा निकाले हुए हैं। बात करेंगे मैम, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम लोग कह रहे हैं कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए ताकि ये जो प्राइवेट स्कूल उन लोगों को थोड़ा दिमाग में रहे कि हमें भी किसी के अनुकरण करना है, कोई पालन करना है, कोई नियम के तहत हम लोग भी हैं। उनकी मर्जी आई तो उन लोगों ने पूरे कोरोना काल का फीस ले लिया और जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं उनको वो लोग बाहर कर दे रहे हैं। बस फीस ले रहे हैं, मेंटेनेंस फीस ले रहे हैं, सारी चीज़ों को उनको चाहिए। और अपने शिक्षकों को उन्होंने आधा पैसा दिया है कोरोना काल में और बहुतों को तो 1/4 दिया है, तो आप अपना फायदा देख रहे हैं और लेकिन मजबूर अभिभावकों का कोई फायदा नहीं दे रहे हैं। और जो बच्चे निकाले जाएंगे उनका क्या हश्र होगा? अगर वो पढ़ नहीं पाएंगे तो वो अपराध में जुड़ेंगे। ये हमारी सरकार को सोचने की जरूरत है कि अगर हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो हमारे बच्चे अनपढ़ और गंवार रहेंगे और इस तरीके से वो अपराधीकरण की ओर जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो है बच्चे के पेरेंट्स जो है यहाँ पे करगिल चौक से ये मार्च निकाले और अभी इनकम टैक्स चौराहा पे हैं और यहाँ पे लोग जो सरकार के खिलाफ लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं और इनका यही मांग है कि जो स्कूल कोरोना काल में जो स्कूल बंद थी फीस लिए जो उसका फीस है उसको माफ़ किया जाए। आपको ऐसी खबरों से हम लगातार अपडेट रख रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।